एक आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के टॉप 5 आईआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहा है। हम तो सभी टीचर को भगवान के स्वरूप ही मानते हैं। शिक्षा ही जो है किसी भी परिवार के स्थिति को बदल सकता है। जिनके पास जो फोन यूज करते हैं वो कृपया करके सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुद से जरूर ट्राई करें, उस क्वेश्चन पे टाइम दे। जब तक आप क्वेश्चन पे टाइम देते नहीं है तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने का स्किल नहीं इंप्रूव होगा आपका। पहले तो ये बता दें आप लोगों को कि 2 साल तक इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था। जब भी लगे जीवन में कि आप हार रहे हैं, आपके मन छोटे हो रहे हैं, तो ये हमारे सफल बच्चे आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको नई ऊर्जा दे सकते हैं। आज मैं अपने प्रिय स्टूडेंट आदित्य रंजन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और उससे आपको मैं मुलाकात भी करा रहा हूं कि कैसे एक आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के टॉप 5 आईआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहा है। उससे बहुत सारे प्रश्न भी मैं पूछूंगा कि कैसे अपने जूनियर के लिए वो क्या संदेश देना चाह रहा है जो अगले साल पेपर देने वाले हैं बच्चे। लेकिन उससे पहले इस बच्चे के बारे में जानना जरूरी है कि इसने 10वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से किया, उसके बाद इसने नवोदय विद्यालय को छोड़ दिया और 22 जून 2022 को मेरे सानिध्य में रहकर 2 वर्षों तक हम लोगों ने एक परिवार बनकर तैयारी जो इसको करना था JEE का उसको पूरा किया गया। लेकिन पूरा तब माना जाता है जब बच्चे सफल होते हैं। तो अंतोगत्वा जब 2024 में JEE एडवांस का रिजल्ट आया तो हम लोगों का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया कि एक बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब परिवार का बच्चा पटना के पास खुसरूपुर का रहने वाला और देश के टॉप 5 आईआईटी में से एक में वो पढ़ने जा रहा है। इसके पास इसके रैंक इतने अच्छे थे कि इसके पास देश के सभी आईआईटी के साथ बेस्ट ऑफर रहे। लेकिन इसने जहां पर कोडिंग कल्चर बहुत ही टॉप क्लास का है तो इसने आईआईटी रुड़की को जो कि देश की टॉप 5 आईआईटी में से एक आता है उसको इसने चुना और वहां से पर यह कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर पढ़ने जा रहा है। और मेरे ही कई स्टूडेंट जो हैं आईआईटी रुड़की में हैं जो इनके सीनियर हैं तो सीनियर से भी इन्होंने वार्तालाप किया, बातचीत किया। तो ऐसा माना जाता है कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की के कोडिंग कल्चर बहुत ही टॉप क्लास के हैं। तो इसने आईआईटी रुड़की को चुना तो इसके लिए तुमको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अब अपने सफर को आगे बढ़ाकर और दिन दूना रात चौगुनी प्रगति करें। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि हर शिक्षक के लिए होता है लेकिन मैं अपने को शिक्षक नहीं बोलता हूं, मैं तो मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट ही बोलता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षा होते हैं एक दूसरे से आदान प्रदान से ही ज्ञान को पाया जाता है। तो कई मायने में बहुत सारी बातें 2 साल पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है। अब बहुत सारी मायने में हम लोग भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं लेकिन कई मायने में स्टूडेंट्स भी टीचर को सिखाते हैं। तो ये 2 साल मेरे साथ कैसा सफर रहा उसके बारे में पहले बातें रखें, फिर 1-to-1 क्वेश्चन भी होगा आपके साथ। सर 2 साल का सफर तो एकदम मेरे लिए नया था, काफ़ी नया, और इतनी मेहनत और मतलब काफ़ी अलग सा लगा, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते एक तरह से। क्योंकि जब क्लास में डिस्कशन होता था अगर स्टूडेंट्स डाउट में फंस रहे हैं तो आपका जो तरीका था स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी प्रभावित किया मुझे
कि हाँ आप जो बोलते थे कि पहले खुद में ही 10 मिनट डिस्कशन कर लो, उसका फ़ायदा वाकई होता है। मेरा मानना है कि उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट बता रहा है एक उसका भी क्लियर होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि आप जब किसी को डाउट एक कॉपी पे बता रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर वो सामने वाला आपसे कुछ पूछा कि हाँ ये स्टेप कहाँ से आया, ये स्टेप कैसे हो गया, उसमें आप जो रीज़न देते हैं फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कुछ करता है, तो उसमें आप भी कुछ सीखते हैं वो भी कुछ सीखता है। और क्योंकि अगर डिस्कशन के बाद डाउट बचा है ना, तो वो डाउट मेन डिस्कशन वाला होता है जो टीचर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसने एक बहुत अच्छी बात रखी जो मेरी आर्ट ऑफ टीचिंग है, कि जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो मेरा सामूहिक प्रयास रहता है कि पहले अपने दोस्तों से इस क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करो। और कभी कभी कई मायने में क्या होता है कि जैसे बच्चों के पास 20-25 डाउट हैं, तो पता चलता है कि जब आपस में ग्रुप डिस्कशन बच्चे करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उसमें से 5-10 क्वेश्चन टीचर के पास आते हैं, लेकिन जो 5-10 क्वेश्चन टीचर के पास आए उस क्वेश्चंस में भी डिस्कस हुए हैं। तो जब टीचर जब डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चन एक तरह का एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से हो जाते हैं कि उस पर कई दोस्त मिलकर बहुत सारे तरीके से तर्क कर चुके रहते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है, क्योंकि मैं ऐसा मेरा मानना है कि टीचर को एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम स्टूडेंट को देना है। तो वो अपने नॉलेज को जितना अधिक ग्रोथ कर ले, उसके बाद तो टीचर वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर उपस्थित हैं। तो वो तो है कि सामूहिक रूप से जब क्वेश्चन नहीं बना तो टीचर तो बताएंगे ही बताएंगे। तो मैं ये पूरे जो मेरा 10 साल से अधिक का 12-13 साल का एक्सपीरियंस रहा है, इसके अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है और शायद तुम लोगों को हुआ भी है। अगला प्रश्न ये है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया और इतने बेस्ट रैंक आए, तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैंने जब तुम्हारे पिताजी से बात किया फोन पर तो भावुक हो गए, लेकिन जब तुम पहली बार घर गए उसके बाद का रिएक्शन क्या रहा? जब पहली बार घर गए तो दोनों मम्मी पापा गले लगाए, काफ़ी खुश थे। फिर घर पे मीठा वगैरह ला करके रखे हुए थे, अम्मा ही पापा खिलाए, फिर वो मुझे खिलाए, काफ़ी प्रसन्न थे अंदर से। और आपको धन्यवाद भी दे रहे थे कि आपके कारण जो हुआ, काफ़ी मतलब खुश थे। लेकिन देखिए, क्या होता है कि मैं शुरू से ही ऐसा मेरा मानना है कि 10 साल समय बीतने के बाद भी आप बच्चों के घर जाएं, वह आपके घर आएं, 20 साल भी समय बीत जाए तब पर भी, क्योंकि ये केवल ये यहीं तक का सफर, मैं जब इस लाइन में जब से मैं जुड़ा तो मैं इसको मानता हूं कि जब बच्चा अपने शादी कार्ड को लेकर आपके पास आ रहा है, अपने घर के बहुत सारे फंक्शंस के कार्ड लेकर आ रहा है उतने लंबे साल के बाद, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी परंपरा जो है गुरु शिष्य का, ये होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई मायने में होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। तो क्यों भूलते हैं भाई? क्योंकि अपनत्व जो होता है वो दोनों साइड से होना चाहिए। और ये संस्कार जो है, आप जब पढ़ा रहे थे तभी आप यदि उसको परिवार बनकर यदि पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये दर्द हो रहा है कि यार ये इसका रिजल्ट नहीं हुआ तो इसके पापा के साथ मम्मी के साथ हम कैसे मतलब सामने बात कर पाएंगे, या रियल में उस बच्चे से कैसे बात कर पाएंगे। तो जब इस पीड़ा के साथ आदमी पढ़ाता है तो लगता है कि यार मेरे अपने घर के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, और वो जब अच्छे करते हैं, रिजल्ट आते हैं तो खुशी होता है कि अपने सफल हुए हैं। अब आगे का कुछ जो डिस्कशन है कि जैसे जो कुछ जूनियर बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों को किस तरीका से प्लान करना चाहिए? जैसे 25 में पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए तो कम समय है, कुछ बच्चे जो हैं 26 में पेपर देंगे, जो इस बार जो 10th का पेपर दिए हैं, तो उन बच्चों के लिए किस टाइप का ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, किस वे में उसको तैयारी करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो मेरा कहना ये रहता है कि डाउट्स कभी बचना नहीं चाहिए। डाउट्स सॉल्व होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टेस्ट
वगैरह भी जो होता है, कहीं अगर किस्मत ऐसा रहा कि आप जो डाउट पूछे हैं उसी उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कि मुझे याद है जेई मेन में मेरा दो क्वेश्चन था फिजिक्स का, वो लगभग लगभग मेरे डाउट से मैच किया था। तो काफ़ी हेल्प करता है डाउट्स, और डाउट्स तो अपनी जगह है ठीक है, लेकिन उसके साथ में टीचर के साथ एक डिस्कशन जो होता है ना वो भी काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़रूरी है। और एक और कहना है कि जिनके पास भी जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो कृपया करके सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखें, बहुत सुंदर, बहुत खुद सुंदर। खुद से ज़रूर ट्राई करें, उस क्वेश्चन पे टाइम दे। जब तक आप क्वेश्चन पे टाइम देते नहीं है तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने का स्किल नहीं इम्प्रूव होगा आपका, क्योंकि सबसे मेन होता है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना। अगर वो डेवलप हो गया तो फिर सबसे आसान हो जाता है। देखिए, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात रखा कि यदि कुछ बच्चे जो हैं, पहले तो ये बता दें आप लोगों को कि 2 साल तक इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था। क्योंकि मैं अभिभावकों से बात करके ये बताता हूँ कि यदि ऑफलाइन में टीचर आपके साथ दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं तो मोबाइल जल्दी हटाया जाए। लेकिन इनका कहना है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल है तो वो डायरेक्ट जो है किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ना देखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है वो उस क्वेश्चंस पर समय दें। उसके बाद भी यदि दिक्कत हो रहे हैं तब पर भी सॉल्यूशन न देखिए। यदि आपके पास कोई दोस्त है, कोई सीनियर है, तो उससे ग्रुप डिस्कशन करें, क्योंकि अंतोगत्वा है कि जब आप हार मान जाए तब जाकर है, उसके बाद भी कम से कम सॉल्यूशन न देखे। अगले दिन यदि टीचर क्लास में है तो 1-to-1 आप डिस्कशन करते हैं तो वो काफी फायदेमंद होता है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये आदित्य रंजन की एक खूबी मैं बता रहा हूं कि एक ये काफी संस्कारिक भी रहा है, काफी सरल भी रहा है, और मेरा भी अनुभव 2 साल इसके साथ बहुत ही पारिवारिक रहा। जब पहला दिन तुम आए थे, क्योंकि पहला ही दिन मैंने नाइट क्लासेस लिया था तुम लोग बैच में रात भर, तो वो अनुभव कैसा रहा कि फर्स्ट दिन ही भाई ये कौन टीचर हैं कि पहला ही दिन रात भर मैथमेटिक्स पढ़ा दिए? कुछ बच्चों के मन में आते होंगे ये ख्याल कि रात से सुबह हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा पहला दिन का? सबसे पहली बात तो जब मुझे पता चला था कि रात भर क्लास होगी सुबह तक क्लास होगी तब तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि ऐसा पहली बार था, कभी सुना नहीं था कि इस तरह का भी क्लास होता है कहीं। और एक एक्साइटमेंट भी था कि हाँ अगर रात भर होगा तो टीचर कैसे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में नींद आने लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, 1 मिनट के लिए मुझे नींद नहीं आया। और कब सुबह हो गया मुझे पता ही नहीं चला, इतना इंटरटेनिंग क्लास था वो, मतलब नहीं भूल सकता मैं उसे कभी। तो मान लो कि उसके बाद मम्मी पापा से बात हुआ होगा हाँ हॉस्टल के जिनसे मोबाइल लेकर, क्योंकि मोबाइल तुम लोगों के पास था नहीं, तो जो वार्डन हैं, तो कुछ तो चर्चा हुआ होगा कि अरे जहां पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे वहां पहला ही दिन रात भर पढ़ाई हो गया रात से सुबह, ऐसा कुछ घर पर भी कुछ तो डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ बोले पापा को, तो पापा बोले कि हाँ अब देखो यही मेहनत करना है, इसी का नाम मेहनत है, हाँ। मेहनत करो फल जरूर तुमको मिलेगा, और उसी का फल नहीं, उसी देखिए। का तो फल मिला, क्योंकि देश के टॉप 5 IIT में वो भी सबसे टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस मिला, तो ये सैल्यूट की बातें हैं। और खुद हम पर्सनल आदमी प्राउड फील कर रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही हम लोगों का इनाम है, यही फल है। अरे एक एक क्या होता है, मान लीजिए कि जो पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक के लिए होता क्या है भाई, वही तो एक इनाम है कि आप कर रहे हैं, फिर आदमी प्रयास करता है, मनोबल बढ़ता है, तो फिर अगले बैच के लिए भी आदमी दिन रात मेहनत करता है। आप लोगों को इनके जब बच्चे सफल होते हैं तो बच्चों के मैं घर भी जाता हूं, और इनके मम्मी पापा से भी मैं मुलाकात कराऊंगा, और उनका भी रिएक्शन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब बच्चे सफल होते हैं तो माता पिता के जो आंखों में जो आंसू होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं। और किसी भी घर में क्या होता है, जब आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे होते हैं तो कोई एक जेनरेशन को ही, कोई एक बच्चे को ही टॉप तक पहुंचता है, तो धीरे धीरे उसको देख कर ही पीछे के जितने भी हैं कि भाई भैया कर गए तो हमको भी वहां तक पहुंचना है।
कुछ अभिभावकों के लिए क्या संदेश दीजिएगा कि जो मतलब कि क्योंकि एक होता है कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते थे तो मैक्सिमम बच्चे सफल हुए, कुछ ऐसे भी एक दो बच्चे सफल ना हो पाए, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारे आशीर्वाद हैं कि वो भी जीवन में टॉप तक पहुंचे, तो अभिभावक का कितना रोल होता है बच्चों की सफलता के लिए, उनके माता पिता का कितना रोल होता है? माता पिता का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, उनका एक अलग प्रेशर टाइप का भी क्रिएट हो जाता है और एक मोटिवेशन ही मिलता है कि हाँ अब जो करना है हम ही को करना है, गरीबी दूर करना है। फिर और ये कहेंगे हम कि माता पिता से रेगुलर बात भी होते रहना चाहिए, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल होते रहना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलता है। जब भी मार्क्स कम आया, डीमोटिवेट हुए, एक बार शांति से माता पिता से बात कर लेना चाहिए। और माता पिता का रोल इसलिए भी होता है ना क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि इंस्टीट्यूट को दोष देते हैं कि हाँ आप लोग सही से नहीं देख रहे हैं, और कुछ माता पिता होते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि तुम में जरूर कुछ कमी होगी, तुम अपना इम्प्रूव करके देखो एक बार, तुम टीचर से कॉन्टैक्ट करो, तुम अपना तरीका पढ़ने का तरीका बदलो। दो तरह के मेनली होते हैं। देखिए कितना बोला कि माता पिता से बात होना बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, कभी भी टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं तो एक होता है कि माता पिता शिक्षक तो आत्मविश्वास देते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके अच्छा करने के लिए शिक्षक डांट फटकार भी लगाते हैं, जैसे माता पिता लगाते हैं, तो बात होना बहुत जरूरी है। और माता पिता को भी ये है कि बच्चे कहीं भी रहें, मेरा अपना मानना है कि बीच बीच में आकर बच्चों से, अब मोबाइल के दौर में ऐसा ना हो कि उनसे मिले ही ना, उनको जाकर मिलिए, उनको देखिए, क्योंकि लगता है कि बीच बीच में कभी बिना बताए हुए भी अचानक पहुंच जाइए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। यदि सही रास्ते पर है तो उनको प्रोत्साहन दीजिए, गलत रास्ते पर है तो उनको डांटिए, डांटने के बाद प्यार दीजिए, लेकिन डांटिए कि मतलब कि भाई हम लोग को जानकारी नहीं है लेकिन तुम गलत रास्ते जा रहे हो। अंतोगत्व क्या होता है कि उसको क्योंकि उम्र कम रहते हैं तो उनके गलत रास्तों से निकालने का भी काम शिक्षक माता पिता सबकी ये जिम्मेवारी है, जो वहाँ सीनियर हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। यदि वो उस दर्द को समझते हैं कि भाई ये गलत रास्ता जा रहा है, तभी इसको वहाँ से निकाल कर अच्छे रास्ते पर लाना बहुत जरूरी होता है। हम तो सभी टीचर को भगवान के स्वरूप ही मानते हैं। और मैं आदित्य के बारे में जरूर एक बात जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में जीनियस होते हैं, लेकिन जीनियस और संस्कार दोनों का मेल जब हो जाता है और वो बच्चा मतलब कि लगता है कि एकदम परफेक्ट आइडियल स्टूडेंट, तो यह एक आइडियल स्टूडेंट्स में रहा और मैं कभी भविष्य में भी इससे आपको मुलाकात कराऊंगा जब, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये केवल आईआईटीयन ही नहीं बना, सोसाइटी के लिए भी ये बहुत काम करेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम ये करेंगे कि एक तो होता है कि हम करोड़ों का प्लेसमेंट है, जॉब है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से है, जिस सोसाइटी से ये है, उस दर्द और पीड़ा को जानता है कि कैसे शिक्षा ही जो है किसी भी परिवार के स्थिति को बदल सकता है। और इतना मुझे विश्वास है कि अपने भविष्य में बहुत सारे आर्थिक रूप से गरीब बच्चों की जब ये पूरा संपन्न हो जाएगा, इसके पास भी नाम शोहरत पैसा जब हो जाएंगे, होना ही है, तो यह भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहे, जब भी समय मिलेगा तो अपने सफल बच्चों के साथ आप लोगों को रूबरू हमेशा कराते रहेंगे और प्रयास रहेगा कि आप भी इन बच्चों को जिस रूप में भी वीडियो के माध्यम से भी जो देख रहे होंगे तो इनको आशीर्वाद दें, और हम लोगों पर भी आप लोगों का स्नेह बना रहे कि हम लोग भी ऐसे ही राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ बेहतर कार्य करते रहें। धन्यवाद।